देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि यहां दोनों देशों के नेता बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे, साथ ही समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत हासिल करने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार करेंगे। इस कैबिनेट विस्तार में वर्तमान में शामिल सभी मंत्री एक बार फिर शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा दो नए नाम जुड़ने की भी संभावना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मणिपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि वे मणिपुर में कुकी मैतेई विवाद के हिंसा पीड़ितों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहत शिविरों में जाएंगे और पीसीसी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज विवादों से घिरे नीट यूजी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। ये सभी याचिकाएं अलग अलग तरह की हैं। इनमें शिक्षण संस्थान, परीक्षा देने वाले छात्र और संगठन हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आज बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी व अघोषित बिजली कटौती को लेकर जिले के सभी ब्लॉक कांग्रेस मुख्यालयों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। बता दें कि जिलाध्यक्ष शरद लोहाना ने आंदोलन के लिए सभी ब्लॉकों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चलेगी। जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गई, जिसके चलते आज सुबह जल्दी रथ चलना शुरू होंगे और इसी दिन गुड़ीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। लंदन बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी नथिंग का सब ब्रांड CMF आज अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। बता दें कि इस फोन को CMF फोन 1 के नाम से जाना जाएगा। फोन के लॉन्च से पहले उसकी इनोवेटिव कस्टमाइजेबल डिजाइन लीक हो गई है। वहीं CMF फोन 1 का डिजाइन सबसे अलग होगा। अमरोहा में डिजिटाइजेशन के विरोध में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ आज से 14 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। डिजिटाइजेशन को स्कूलों में टैबलेट दिए गए, लेकिन उसमें पर्सनल सिम के इस्तेमाल को लेकर शिक्षकों ने विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी स्कूलों को विभाग की ओर से CUG सिमों का आवंटन किया गया था। हरियाणा में पुलिस भर्ती के लिए HSSC ने 6000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। वहीं बता दें कि इससे पहले जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है। HSSC के अनुसार 6000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती होनी है, जिसमें से 1000 पद महिलाओं के लिए हैं और 5000 पद पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। झारखंड में आज बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ समेत कई जिले में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1497 में वास्को द गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी। आज ही के दिन 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। आज ही के दिन 2005 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी। आज ही के दिन 2007 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2021 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।